सम्मानित अध्यक्ष जी, संचालक महाभाग, आईजी साहब, विशेष करके हमारे घर परिवार के सभी मित्र बुजुर्ग, मैं बहुत देर से इस कवि सम्मेलन को बहुत ध्यान से सुन रहा था और बहुत लोगों को तो वंचित होना पड़ा रुचि की कविता से। जितनी सुंदर प्रस्तुति, उतना सुंदर गीत, उतने ही बढ़िया मुक्तक। आज जब यहाँ इस आंगन को प्रणाम करना है, हम और नीरज जी एक ही स्कूल में, एक ही कक्षा में पढ़े थे, एक ही मास्टर ने पढ़ाया था। हम कविता पढ़ने लगे, नीरज जी कविता पढ़वाने लगे, और ये हमारी जो रियासत है, बहुत कम लोग इस इतिहास को जानते हैं कि हिंदुस्तान के संविधान में जो मूल हस्ताक्षर हैं कुछ लोगों के, संविधान की जो सभा थी उसमें एक हस्ताक्षर प्रतापगढ़ का है, वो है पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय का। और पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय का जिक्र मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शुरू शुरू में ये व्यवस्था थी कि कोई ना कोई रियासत किसी नाम को प्रस्तावित करती थी तभी उन्हें सीट का टिकट मिलता था, सीट मिलती थी। और पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय को श्रीनगर कोर्ट की रियासत ने प्रस्तावित किया था कि नहीं, इनका नाम जाना चाहिए। ये इस रियासत का इतिहास है। हम नीरज जी मित्र हैं, हमारे पिताजी इनके पिताजी मित्र थे, इनके बड़े पापा जी जो हैं, बड़े लाल साहब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, वो हमारे बाबा जी के घनघोर मित्र थे, दोनों लोग साथ पढ़े थे। एकदम खानदानी मामला है जो आप कह रही हैं। महक की पीढ़ी कम जानेगी इस बात को, लेकिन हम लोग साथ साथ पढ़े, साथ साथ बढ़े। इन दोनों अपनी दोस्ती के नाम, और महक तुम्हारे मम्मी पापा के नाम, उनके स्नेह के नाम कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। मंच का भी ध्यान चाहूँगा, मेरे मित्रों का भी ध्यान चाहूँगा कि हमारी, अब इतनी अच्छी आवाज़ में पढ़ के गई रुचि, मैं कोशिश करता हूँ कि उसके आसपास खड़ा हो, कि हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी, हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी, हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी, ये सदियों चलेगी निशानी बनेगी, ये सदियों चलेगी निशानी बनेगी। बहरहाल शेर पे आइए कि ठहर जाएंगे दो घड़ी जिस जमी पर, ठहर जाएंगे दो घड़ी जिस जमी पर, वहीं प्रेम की राजधानी बनेगी, वहीं प्रेम की राजधानी बनेगी, वहीं प्रेम की। और मैं इनसे नहीं कहूँगा कि तालियां बजाएं, ये हो सकता है कि रास्ते में मिलके हमको तालियां बजा के सुना दें तो घर पहुँच के बजा जाएं। एक शेर पढ़ता हूँ, आपका ध्यान चाहता हूँ। ये जो नई पीढ़ी हमारी पीढ़ी है, वो प्रेम के जाने कौन कौन से अर्थ लगाती है, और ये हास्य के इतने बड़े बड़े कवि यहाँ बैठे हैं। नई पीढ़ी तो कहती है कि 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे को प्रेम शुरू हुआ, ठीक 9 महीने बाद 14 नवंबर को बाल दिवस को समाप्त हो गया। पर एक प्रेम का स्वरूप आपको दिखाता हूँ जिसमें देह है ही नहीं, यहाँ केवल देह मिल जाए वही प्रेम है, देह से जैसे मुलाकात हो जाए वही प्रेम, देह नहीं केवल मूर्ति है वो प्रेम। देखिए,
निशानी बनेगी। परे नौजवानों जरा इस प्रकार के प्रेम को भी कभी अंदाजना जीवन में। परे देह के गेह के प्रीति जाए, परे देह के गेह के प्रीति जाए, तभी कोई मीरा दीवानी बनेगी, तभी कोई मीरा दीवानी बने। तभी कोई मीरा दीवानी। और साहब बहुत लोग आईजी हुए, आईपीएस हुए, पीसीएस हुए, आईएएस हुए, मंत्री हुए, साहित्य के लिए समाज के लिए उनके पास समय नहीं है। बहुत बड़ा हिमालय हो वहाँ से कोई गंगा ही ना निकले, क्या मतलब है बना रहे हिमालय। ये शेर मैं आईजी साहब को प्रस्तुत करता हूँ जो सारी रात हमारे बीच में बैठे हैं। एक ताली तो होनी चाहिए कि बुझाएगी प्यासे, शेर संभालिएगा, बुझाएगी प्यासे गले में उतर कर, बुझाएगी प्यासे गले में उतर कर, सिला हिमशिखर की जो पानी बनेगी, सिला हिमशिखर की जो पानी बनेगी। और एक शेर आपके सामने पढ़ता हूँ, अगर वो सच्चाई के करीब हो। मैं एक एक वाक्य पढ़ के कह के इस शेर पे आऊँगा। अभी जैसे अध्यक्ष जी से पूछिए कि जीवन में जब से जो सबसे खूबसूरत महिला देखी हो जरा उसका नाम बताइए, मैं कल्पना कर लेता हूँ कौन उनसे पूछने जाए। हो सकता है उनका जवाब हो जाए मीना कुमारी। संचालक जी से पूछने जाऊँ तो बगल में है। हो सकता है कि इनका वही सवाल करूँ तो जवाब हो जाए हेमा मालिनी। हमारे बीच में जो नई पीढ़ी बीच की पीढ़ी है, नीरज जी से पूछूँ तो हो सकता है बता दें माधुरी दीक्षित। और छोटे वाले से पूछो तो हो सकता है बता दें डिम्पल कपाड़िया। मैं आपसे कहता हूँ ये चारों लोग गलत नहीं बोल रहे, चारों लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये शेर अगर आपके समझ में आ जाए, वहां से बात करता हूं कि दुनिया कैसे आगे चलेगी। निशानी बनेगी तभी कोई मीरा दीवानी बने। ये शेर सुनिए कि हर एक दौर में कुछ नए होंगे चेहरे, हर एक दौर में कुछ नए होंगे चेहरे, हर एक दौर में कुछ नए होंगे चेहरे, कभी भी न दुनिया पुरानी बनेगी, कभी भी न दुनिया पुरानी बनेगी। हम ये 5 तक पढ़े थे साथ में, उसके बाद दिशा बदल गई थी। एक रचना पढ़ता हूं, वो भी रचना थी, ये एक दूसरी रचना है, वो प्रेम पर को समर्पित थी, ये आपको समर्पित है। जिंदगी कितनी छोटी सी है, आकांक्षाएं कितनी बड़ी सी हैं, और इसमें वो जो सबसे प्रिय है वो मिलेगा कैसे, इस भावभूमि के साथ सुनिए। कि जरा सी कश्ती हजार लहरें, न जाने किस
तट के पार तुम हो जरा सी कश्ती, हजार लहरें न जाने किस तट के पार तुम हो चली चतुर्दिक, बिकट हवाएं चली चतुर्दिक, बिकट हवाएं चली चतुर्दिक, बिकट हवाएं अभिस दिए के आधार तुम हो, अभिस दिए के आधार तुम हो। बहुत अच्छे भाई। और आईजी साहब एक शेर पढ़ता हूँ आपको समर्पित। पहले सबसे बड़ा आदमी वो था जो सबसे ज्यादा दिलों में रहता है, आज सबसे बड़ा आदमी वो है जो सबसे बड़े भवन में रहता है। ये परिवर्तन हुआ है, मैं इसे रेखांकित करता हूँ कि भवन के ऊपर भवन खड़े हैं, भवन के ऊपर भवन खड़े हैं, दिलों में रहना भुला दिए सब, दिलों में रहना भुला दिए सब, सुना है सबके दिलों के अंदर बसे हुए शुभ विचार तुम हो, सुना है सबके दिलों के अंदर बसे हुए शुभ विचार तुम हो। और एक झगड़ा है माननीय संचालक महोदय, मेरा वाला धर्म ज्यादा सही है, इनका वाला गड़बड़ है। जरा जरा इस झगड़े का जरा देखिए कि चले तो जाते हैं सब डगर पर, चले तो जाते हैं सब डगर पर, कहाँ है जाना पता नहीं है, चले तो जाते हैं सब डगर पर, कहाँ है जाना पता नहीं है, सभी पथों के शिखर पे बैठे, सभी पथों के शिखर पे बैठे, हर एक मंजिल के पार तुम हो, हर एक मंजिल के पार तुम हो। और साहब कितना पैसा कमा लें, कितना सोना जुटा लें, इच्छा तो रावण की भी नहीं पूरी, सोने का घर बनवाया रह नहीं पाया बेचारा। पंक्तियां पढ़ता हूं, बना ले सोने के महल ये हसरत, बना ले सोने के महल ये हसरत, लिए हुए जाने कितने गुजरे, बना ले सोने के महल ये हसरत, लिए हुए जाने कितने गुज। और शेर का की पंक्तियां सुनिएगा, लिए हुए जाने कितने गुजरे, उठा लो मिट्टी हो जाए सोना, उठा लो मिट्टी हो जाए सोना, अजब अनूठे सुनार तुम हो, उठा लो मिट्टी हो जाए सोना, अजब अनूठे सुनार तुम हो, अजब अनूठे। और ये जब प्रिंसिपल थे तो पढ़ाते थे कि ईश्वर से जब भक्ति करिए तो दो तरह से करिए, एक दास्य भाव से, एक सख्य भाव से। मैंने दास्य भाव से बात करी, एक बात सख्य भाव से करना चाहता हूं, वो जरा सख्य भाव वाला सुनिएगा। हाँ बाबूजी आप भी सुन लीजिए, कृपया सुन लीजिए, आनंद आएगा आपको भी।
नहीं जरा इधर हमारे तरफ मुखातिब हो जाइए, ये बोलने के लिए तो हम बुलाए गए, दो मिनट हमको सुन लीजिए कि तुम, ये सख्य भाव वाला शेर सुन, कि तुम्हारे होकर भटक रहे हैं, तुम्हारे होकर भटक रहे हैं, ये सुन के तुम मुस्करा रहे हो, तुम्हारे होकर भटक रहे हैं, ये सुन के तुम मुस्करा रहे हो। कहाँ गए सोहेल? सोहेल देखो रमजान का महीना पढ़ता हूँ तुम्हारे। एक मिनट, एक मिनट भाई साहब, कश्ती का तलबगार महज नाखुदा नहीं, कश्ती पर बैठने का सलीका भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इतना अच्छा गीत ये पढ़ रहे हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जी 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 जी, आपकी बुजुर्गियत को मैं प्रणाम करता। हाँ, सुनिए ना, सुनिए, आनंद हो। सुनाओ। तुम्हारे होकर भटक रहे हैं, ये सुन के तुम मुस्करा रहे हो, कभी इनायत इधर भी कर दो, कभी इनायत इधर भी कर दो, सुना है परवरदिगार तुम हो, सुना है परवरदिगार तुम हो, तुम्हारे होकर भटक रहे हैं, ये सुन के तुम मुस्करा रहे हो, कभी इनायत इधर भी कर दो, सुना है परवरदिगार तुम हो। और ये आखिरी शेर पढ़ के मैं अपने स्थान पे बैठूंगा। आज की ये काव्य संध्या आप संचालक जी और अध्यक्ष जी दो लोग बचे हैं, इनके हवाले होगी, ये शेर संभालिएगा, फिर अगले साल मुलाकात होगी। अभी हम और नीरज जुटे रहें तो ये कवि सम्मेलन जानते हैं, ये कवि सम्मेलन इसलिए नहीं हो रहा कि सरायनहर राय में कोई कवि है, ये सम्मेलन इसलिए हो रहा है कि एक रियासत है थोड़ी दूर पे कन्हई मधुपुर, वहाँ एक कवि पैदा हुआ, और ये तब तक कवि सम्मेलन होगा जब तक इस रियासत में कोई कवि न पैदा हो जाए, ये चलता रहेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, आखिरी शेर पढ़ता हूं कि हर एक रिश्ते पे स्वार्थ भारी, हर एक रिश्ते पे स्वार्थ भारी, कहां ये निस्वार्थ दिल लेके जाए, हरेक रिश्ते पे स्वार्थ भारी, कहाँ ये निस्वार्थ दिल लेके जाए, जहाँ मोहब्बत हो एक रिश्ता, जहाँ मोहब्बत ही एक रिश्ता, वही करिश्मा वो प्यार तुम हो, वही करिश्मा वो प्यार तुम हो, जरा सी कश्ती हजार लहरें, न जाने किस तट के पार तुम हो, चली चतुर्दिक विकट हवाएं, अब इस दिए के आधार तुम हो।